वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा मैकपफ, आप इसे पिज़्ज़ा पॉकेट भी बोल सकते हो। और ये बनाने में बहुत इजी है, मुझे इसे टोटल बनाने में 30 मिनट्स का टाइम लगा। और ये सिंपल से सामानों से, मतलब घर के इंग्रेडिएंट से ही आराम से बन जाएगा, कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 स्पून मैंने बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून मैंने सॉल्ट और 2-3 स्पून मैंने इसमें रिफाइन ऑयल ऐड किया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो को थोड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरह हम डो को तैयार करेंगे और थोड़ा सा टाइट डो बनाना है। और इसे 10-15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, जब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है एक पैन में। इसमें मैंने 6-7 गार्लिक ऐड किया है, गार्लिक को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और जिंजर लिया है 1/2 इंच, और जिंजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पर मैं अपना मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था, एक मीडियम साइज़ का लिया है। और इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। इसका मॉइस्चर जैसे ही ख़त्म होगा हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और इसमें मैं हम आपका कैरेट ऐड करेंगे, गाजर। ये मैंने 1/2 कप लिया है, और 1/2 कप मैं इसमें कोन ऐड करूँगी, कोन ही स्वीट कोन वाले कोन है। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट अच्छे से पकाने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, 2-3 स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है, 1 बड़ा स्पून मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है, 1 छोटा स्पून मैंने इसमें चिली फ्लिक्स ऐड किया है। और अगर आपके पास चिली फ्लिक्स नहीं है तो आप इसमें छोटा छोटा ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, छोटा छोटा अच्छे से चॉप करके। और मैंने 1 स्पून मैंने आपका ऑरिगैनो ऐड किया, और ये टमाटर मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है क्योंकि अच्छे से गल ना जाए इसलिए। और ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा सॉसी बनाएंगे। इसे 3-4 मिनट और पका लेंगे ऐसी, जैसे ही थोड़ा सा सॉसी सा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं सुखाना। इसमें मैंने चीज़ ऐड किया है गैस बंद करने के बाद, जैसे ही ठंडा हुआ मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दिया है। चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ या कोई भी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अपनी पसंद का। और लेट्स स्टार्ट, हम अपना डो देख लेते हैं। ये हमारा डो तैयार हो गया, आटा हमारा अच्छे से। हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और इसे हम बेल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा आटा फैला दिया है और इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। इसे ना ही तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही तो ज़्यादा मोटा। तो अच्छे से करने के बाद हम इसे काट लेंगे साइड साइड से। देखो अच्छे से मैं इसे बना लेती हूँ लंबी लंबा, और इसे अच्छे से बेल लिया है मैंने। अब मैं इसमें कटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। कटिंग के लिए मैंने साइड साइड से काटा हुआ है, साइड साइड से मैंने इसमें 9 इंच है, और आपका इस साइड से मैंने इसमें 5 या 4 इंच है। इस तरह मैंने साइड साइड से निकाल दिया है अपना, बाकी एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। और बीच में से भी 2 पार्ट कर लिया है। अब इसमें या ब्रश की हेल्प से या आप इसमें हाथों से साइड साइड में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये मैंने पानी लगा दिया है चिपकाने के लिए, पानी लगाने से अच्छे से चिपक जाता है इसलिए। और इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हमने ऐड किया है, और इसमें फिलिंग ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छे से ऊपर से इसे लगा देंगे, चिपका देंगे। और ये देखो हम इसे फॉर्क की हेल्प से दबा लेंगे। पहले हमने इसे हाथ से दबाया था, देन हमने इसे फॉर्क से, और एक्स्ट्रा जो होगा हम इसे निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा। और ये हम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। और आप इसे बनाने के बाद, सबको तैयार करने के बाद 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, जितना भी आपके पास है, फ्रिज में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मेरा तेल गर्म होने के लिए रखा, और मैंने इसमें अपना मैकपफ डाल दिया, ऐड कर दिया। और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। अच्छे से हम इसे पलट लेंगे, और ये देखो मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा टेढ़ा करके मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल लिया है। हम इस तरह दूसरा भी बना लेंगे, इसे भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये देखो ये हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और ये हमारे मैकपफ तैयार हो चुके हैं।
मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारे अच्छे से फूले हुए मैकपफ है, तैयार है एकदम। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।